मॉर्निंग स्टूडेंट, आज कक्षा 6 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मैं पटेल भूमिका आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी में चैप्टर नंबर 2 नीति सुधा आज हम पढ़ने वाले हैं, बराबर। तो नीति सुधा के रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन है, कबीर दास जी, बराबर। कबीर दास जी ने जो नीति सुधा लिखा है उसका साहित्य प्रकार कौन सा है, दोहा। आज हम दोहा दोहराएंगे, बराबर। चलो तो पहले कबीर दास जी कौन है वो देखते हैं। कबीर जन्म से जुलाहे थे, उनका निवास काशी था, उनके गुरु रामानंद थे, उनका पालन पोषण गुरु जुलाहा और नीमा ने किया था। कहा जाता है कि कबीर निरक्षर थे। आपके द्वारा रचित दोहे मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और नीति विषयक है। देखो अमृत समान है कबीर के दोहे, बराबर। प्रस्तुत दोहे में सत्य, भलमन चाहत, परोपकार, मधुर वाणी, आत्मखोज और अच्छी संगति का महत्व बताया गया है। तो ये कबीर का परिचय हो गया। अब हम ये दोहा जो है एक बार गा लेते हैं ना। साच बराबर टप नहीं, जूठ बराबर हुआ है, इसके हृदय में हे
आपका निवास है। जो तोपो काता हुए ताही बोए तो फूल, तो ही फूल को फूल है, वहां को है त्रिशूल। क्या है के जो आपके हृदय में काटा बोता है ना काटा, तो उसके हृदय में आपको काटा नहीं बोना है, बल्कि क्या बोना है, फूल बोलना है। क्यों? क्योंकि फूल बोने से ही हमें फूल प्राप्त होगे, बराबर। काटा बोओगे तो हमें काटा ही मिलेगा, यानी कि हमें सबके साथ अच्छाई भरा वर्तन करना चाहिए। अच्छाई करने से हमें क्या मिलेगा, अच्छाई मिलेगी। अगर कोई हमारे साथ बुरा वर्तन करे तो हमें उसके साथ अच्छा वर्तन ही करना चाहिए। अच्छा करने से हमें अच्छा फल ही प्राप्त होने वाला है और बुरा करने से बुरा फल मिलेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथे को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हम जानते हैं कि खजूर का पेड़ कैसा है, बहुत बड़ा है, बराबर, बहुत ऊंचा है। तो कबीर जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो बड़ा है तो क्या हो गया, बड़ा खजूर का पेड़ है तो क्या हो गया, जो पेड़ पंथियों को यानी राहदारियों को, मार्गी लोगों को, राह में चलने वाले ऐसे पथिकों को, यात्री लोगों को छाव ही न दे। ऐसे बड़े होने से पेड़ के क्या मतलब है, जो राही लोगों को छाव नहीं दे, और जिसके ऊपर जो फल लगते हैं वो तो कितने ऊपर है, उसे तोड़ने के लिए कौन जाएगा। यानी इस दोहे के माध्यम से हमें कबीर जी ये समझाते हैं कि इंसान कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ले, कितने भी ऊंचाई पर क्यों ना जाए, अगर वो किसी को इतनी भी मदद ना कर सके तो उसका पूरा जो जीवन है वो बिल्कुल भी निरर्थक है, जो किसी को सहायता ही ना ही करे, ऐसे मनुष्य से क्या लाभ होने वाला है, बराबर। जैसे हमें एक एग्जांपल में आपको समझाती हूँ कि एक तलवार और एक सुई, बराबर, दोनों देखो तलवार इतनी बड़ी है और सुई इतनी छोटी है, लेकिन जो काम तलवार नहीं कर सकती है वो काम सुई कर सकती है, बराबर। तलवार क्या करता है, दो चीजों का बंटवारा कर देगा, लेकिन सुई क्या करेगी, दोनों को आपस में मिला लेगी, बराबर, दोनों को जोड़ सकती है। यानी जो तलवार काम नहीं कर सकती वो सुई कर सकती है। छोटा पेड़ हो तो उसका हमें छाव भी मिलेगा, उसका फल भी हम लोग तोड़ सकेंगे। यहाँ पर खजूर के पेड़ की बात की है, वो इतना बड़ा है लेकिन उससे क्या मतलब है, जो किसी को छाव ना दे सके, फिर कोई इसका फल नहीं तोड़ सके, बराबर। तो कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि बड़ा होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल। देखो इस दोहे के अंदर कबीर जी हमें क्या बताते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि हमारे अंदर जो घमंड है, जो खल जो छल और कपट है वो दूर हो जाए, बराबर। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, हमारा मन के अंदर जो घमंड अहंकार है, अहम भावना है, उसे दूर कर सके। और इनको शीतल करें, यानी दूसरों को भी हम अच्छे लगे और हम खुद भी अपने आप को पसंद आए, हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए। ऐसी वाणी हमें बोलना चाहिए कि हमारे मन के अंदर जो अहंकार की भावनाएं है, जो घमंड है, उसे दूर कर सके, बराबर, और खुद को भी अच्छे लगे और दूसरों को भी अच्छे लगे। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल हो जा आप ना मुझसा बुरा न कोई। कबीर जी इस दोहे से तो इतना अच्छा समझाते हमें कि बुरा जो देखन में चला, मैं जो दूसरा का बुरा देखने जाता हूँ, बुरा ना मिला कोई, मुझे कोई भी बुरा इंसान मिला नहीं। कब नहीं मिला, कि जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, अपने हृदय में देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बुरा इंसान और कोई हो नहीं सकता है, मुझसे खराब कोई हो नहीं सकता है। हम दूसरों के 10 अवगुण देखेंगे, लेकिन हमारे अंदर कितने अवगुण है वो हमने कभी झांक कर देखा, बराबर। कोई 10 भलाई के काम करे, एक काम उससे गलत हो गया, तो
तो हम बाकी के 10 भले काम को भूल जाएंगे लेकिन उसके बुरे काम को पहले पकड़ लेंगे, बराबर। लेकिन हम हमारे हृदय में भी झांक कर देखें कि हम कितने अंश से सही है कितने गलत है, बराबर। जब हम हमारे आप को खुद को पहचान जाएंगे तब दुनिया में हमारे से बुरा और कोई रहेगा नहीं। कभी ना संगति साधु के जो बंधी की बास, जो बंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुवास। देखो कबीर जी हमें क्या कहते हैं, हमें किसका संग करना चाहिए, साधु संतों का संग करना चाहिए। किसका संग करना चाहिए, साधु संतों का संग करना चाहिए। जो बंधी की बास, इत्र बेचने वाला, इत्र यानी अत्तर, परफ्यूम बोलते हैं हम, बराबर। तो परफ्यूम की सुवास कितनी सुगंध है, वैसी ही सुवास हमारे जीवन में लानी है तो हमें साधु संतों की संगति करनी चाहिए। जो बंधे कुछ दे नहीं तो भी बात सुवास। देखो अगर हम इत्र छाटेंगे तो कोई भी गंदी चीज होगी उसमें से भी सुवास मिलेगी मिलेगी, बराबर। तो ये आज हमने जो है देख लिया। अभ्यास के ऊपर आते हैं, शब्दार्थ आपको लिख लेंगे, बराबर। पहला, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पंखी को छाया नहीं फल लागे अति दूर से आपका क्या तात्पर्य है। मैंने आपको समझाया कि इससे आप क्या समझते हैं कि बड़ा होने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं, बड़ा होने से अगर किसी को लाभ हो तो ही हमारा जीवन सार्थक। मन का आपा खोई, अर्थात मन का आपा खोना यानी हमारे अंदर का अहंकार मिटाना, यानी मन का आपा खोई अर्थात हमारा अहंकार मिटाना। नंबर 3, संगति के विषय में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो संगति के विषय में हमें कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी दुर्जन की संगति करनी नहीं चाहिए, बराबर। कभी भी खराब इंसान की संगति करनी नहीं चाहिए। मुझसे बुरा ना कोई, कवि ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, क्योंकि हम जब दूसरों के 10 अवगुण देखते हैं हमारा एक अवगुण हमें दिख जाए, यानी हमें खुद की परख पहले रखनी चाहिए कि मेरे से बुरा और कोई नहीं है। जब हम हमारी बुराई को नहीं लगे तो संसार में कोई भी बुरा नहीं होगा। स्वाध्याय, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसका पहला क्वेश्चन, कबीर ने सच और झूठ की तुलना किसके साथ की है। तो हमने पहले ही दोहे में देख लिया कि कबीर ने सच की तुलना तप के साथ की है और झूठ की तुलना पाप के साथ की है। सच्चे हृदय में किसका वास है, सच्चा हृदय हो उसके अंदर किसका वास रहेगा, ईश्वर का, बराबर। तो सच्चे हृदय में ईश्वर का निवास है। नंबर 3, खजूर के पेड़ की क्या विशेषता बताई गई है, बराबर। तो खजूर के पेड़ की क्या विशेषता बताई गई है कि वह सबसे बड़ा है, बराबर। उसके फल भी सबसे ऊंचे है और वो किसी को छाया भी देता नहीं है। नंबर 4, हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए। तो हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए कि सबके हृदय में हमारा वास हो जाए। मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होते हैं। तो मीठी वाणी बोलने से आपस में एक दूसरे में प्रेम बढ़ता है। कबीर के अनुसार सबसे बुरा व्यक्ति कौन है। तो कबीर के अनुसार सबसे बुरा व्यक्ति वही है जो दूसरों की बुराई करता है। हमें सज्जन की संगति क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम भी सज्जन बन सके इसलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। बड़ा हुआ तो वहां से लागे, लागे अति दूर, तो कैसे लिखना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। नंबर 2, ऐसी वाणी बोलिए आपहु शीतल भय। तो बीच में क्या आएगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल भय। नंबर 3, बुरा जो देखन मुझसा बुरा न कोई। तो वो काव्य पंक्ति को कैसे पूरा करना है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखो जा आपना मुझसा बुरा न कोई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द सारणी में से खोजकर लिखिए। चलो
तो ये विलोम शब्द है क्वेश्चन 3 पे। तो पहला कौन सा है कि सज्जन, सज्जन। तो नीचे जो कोष्टक दिया हुआ है उसमें हमें ढूंढना है, तो सज्जन का विलोम कौन सा दिया है अंदर, दुर्जन। कौन सा दिया है, दुर्जन। नंबर 2 सच, तो सच का विलोम कोष्टक में देखेंगे तो क्या आएगा, जुर, क्या आएगा, जुर। तीसरा सुगंध, सुगंध, तो सुगंध का विलोम क्या आएगा, दुर्गंध, दुर्गंध। नंबर 4 प्रलय, प्रलय, तो प्रलय का विलोम क्या आएगा, प्रलय यानी विनाश, तो विनाश का ऑपोजिट निर्माण करना, तो निर्माण आएगा, क्या आएगा, निर्माण। नंबर 5 सन, क्या, सन, उसका ऑपोजिट क्या है, पूसम, क्या आएगा, पूसम, बराबर। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द, वो आपको पुस्तक में ढूंढकर उसके पीछे भी सर्कल करना रहेगा। अब आएगा पेज क्वेश्चन नंबर 4 कि अपने 5 मित्रों की जानकारी एकत्र कर निम्नलिखित सारणी की पूर्ति कीजिए, वो तो आपके अपने मित्रों को मिलकर ही करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन अपने से कर लेना। अब नंबर 5 निम्नलिखित दोहे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, जो तो को काता हुए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। मैंने आपको ये भावार्थ समझाया है बराबर, के जो आपके अंदर काते को बोता है तो आपको उसके अंदर क्या बोना है, फूल बोना है, फूल बोने से हमें फूल में मिलने वाला है बराबर, फिर हमें सुई सूल मिलने वाला है, काटा मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है बराबर। तो बच्चों आज का हमारा यह चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, आपको स्वाध्याय लिख लेना है, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं, शब्द समझूती भी लिखने हैं, और एक बार सारे दोहे लहरा लेने हैं बराबर। थैंक यू बच्चों।